ठीक है, किसी को भूख लगी है ना बिल्ली? अरे भाई कहना क्या चाहती हो आखिर तुम? क्या दिक्कत है, मेरे चेहरे पे कुछ लगा क्या? क्या ये तो? नहीं 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 नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो सच है। अरे वाह, मेरे सर पे फिर से बाल आ गया। वाह यार, तुम तो बड़ी जल्दी उग गए, मजबूत और मोटे, और मैं फिर से इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने तो इस कंघे को पता नहीं कब से रख रखा था, अब लड़कियाँ भी मुझ पे फिदा हो जाएंगी और मैं तो उनको बस ऋतिक रोशन दिखूंगा। तुम क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल सही है। अब जो मैं सोच रहा हूँ, तो एक वक्त ऐसा था जब मैं शिकार कर रहा था, उस वक्त ये हुआ। कम ऑन बाहर निकलो, चाहे तो सामने आओ, बाहर निकलो जहाँ भी छुपे हो। ये ऐसा लगता है जैसे के भालू जैसा लगता है। मैं एक भालू नहीं, ये देखो ये मैं तुम्हारे लिए। अरे मुझे बचाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, दूर रहो मुझसे, दूर हो जाओ मुझसे। जरा एक सेकेंड। तो फिर उस वक्त का क्या अजब? बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, आखिर ये बन ही गया। मेरे नूडल की कटोरी नीचे रख दे भालू, वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। बाद में मिलते हैं, वैसे तुम अच्छे लग रहे हो। ये नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। हेलो, आपने लखा को फोन किया? लखा, तुमने पिछले महीने का कोटा अभी तक पूरा नहीं किया। अरे दरअसल मैंने तो कर दिया था। आपने कहा 3 पेड़ काटना है और मैंने पेड़ काट दिए। मैंने कहा था 300 पेड़ काटना, तुमने सिर्फ 3 पेड़ काटे। ऐसा लगता है मैं किसी लंगूर के साथ काम कर रहा हूँ। गलती हो गई, मैं बालों में कंघी करने के बाद सीधा काम पे जा रहा हूँ। हटिया मजाक करना बंद करो और काम पर लग जाओ, वरना मैं तुम्हें अभी कभी निकाल दूंगा, समझ गए तुम? उस पकौड़े को तो ये भी नहीं पता कि वो बात क्या कर रहा है। रुको, मेरा बाल, मुझे उसे बर्बाद नहीं करना है, मुझे इसकी हिफाजत करनी होगी। मुझे पता है, मुझे काम पर दूसरी टोपी पहन के जाना होगा। अब मैं स्मार्ट भी दिखूंगा और अच्छा भी। देखते हैं आज कौन सी टोपी पहनूंगा। टंटड़ा, ये नहीं, ओ ये भी नहीं। हाँ एक मिली, ये सबसे बढ़िया है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे मुझे दिख नहीं रहा। अरे तुम मेरा बाल बर्बाद कर दोगे। अरे तुम ठीक तो हो ना दोस्त, मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूं? देखते हैं, सेंटा की टोपी, ए बढ़िया है, इसको ट्राई करना चाहिए। ओ यस। तो ये वाली टोपी भी नहीं। अरे अब मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ चाहिए। क्या यहाँ कुछ मिलेगा जो मेरे बाल की रक्षा कर सके? ये काम करेगा। ये सबसे बढ़िया तरीका था आज तक का। मैं अच्छा भी दिख रहा हूँ और मेरे बाल की हिफाजत भी हो रही है। मुझमें तो बहुत दिमाग है। वाह, तुम कितने अच्छे हो, एक नंबर। अरे इतनी धूप क्यों निकल आई? मुझे लगता है तो कोई दूसरा पेड़ ढूंढना पड़ेगा। कितना भी संभाल लो, काफी नहीं है। ये वाला अच्छा दिख रहा है। अरे नहीं, ये तो मेरे बाल के लिए बहुत गीला है। नो 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 नो, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, कोई और पेड़ देखता हूँ। देखो भाई, लखा पेड़ काटने वाला है, उसे हमें सबक सिखाना होगा। रुको जरा, एक सेकंड रुको। मेरे भाई, मुझे पक्का यकीन है कि लखे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तो मुझे तो ये वही लखा लग रहा है, इसमें मुझे कुछ नया नहीं लग रहा। उसका सर देखो, उसने क्या पहन रखा। अरे ये क्या चीज है? मुझे यकीन है कि वो कुछ शैतानी करने वाला है। पता मुझे क्या लगता है, वो चीज पेड़ काटने के लिए। यहाँ पे मौसम अच्छा है, बढ़िया है, ठंडा है, मेरे बालों को कोई टेंशन नहीं, साथ में पेड़ भी बड़े बड़े हैं। चलो काम शुरू। अरे मेरा बाल, अरे पापा साहब, अरे कहाँ जा रहे हो?
अरे अरे कहाँ जा रहा है, अरे रुक जा, अरे मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी टोपी वापस आ जा। भाई तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज अपने आप ही पेड़ काटेगी। अरे मिल गई। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, उसे सबक सिखाना ही होगा। हमें एक प्लान की जरूरत है। ये गंदे वालों फिर से आ गए, लिए मुझे रोकना चाहते हैं। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। ओए लड़के, अब क्या निकलने का वक्त आ गया। शैतान बुड्ढे, हमारे जंगल को तबाह करना बंद करो। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो आ जाओ। बिल्कुल। मेरा बाल। मुझे अपने बाल की रिस्क नहीं लेना चाहिए। चुपचाप निकलता हूँ और दूसरा पेड़ ढूंढ लूंगा। और फिर जब उसका ध्यान नहीं होगा। हे, बाप रे। भाई चलो चले, इससे पहले वो पूरा जंगल काट दे, हमें उसे पकड़ना होगा। बाल बाल बचा। इस बाल की रक्षा करना तो बहुत मुश्किल है, मुझे उन बालों से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो वे मेरे बाल की वाट लगा देंगे। बहुत करीबी मामला था, तुम कहाँ से टपके? हाँ, अरे मेरी टोपी कहाँ है? ये अभी भी ठीक है। और अब तुम मोटे, तुम चुपचाप घर चले जाओ, लाखा से पंगा मत लो। जाओ और अपनी गुफा में चले जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ, समझे? और मैं भी तुम्हारे रास्ते में। अरे मेरी टोपी कहाँ गई? मेरी टोपी वापस करो। ए भाई, मैंने पकड़ लिया। क्या हो रहा है यार? अरे तुम्हें जो करना है करो, मेरे बाल को छोड़ दो, जरा दूर चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मोटा गंदे भालू। अरे ये तो बहुत जोर से लगे। अरे नहीं, मेरे बाल का क्या हुआ? अरे भाई साहब, आप दिखते हैं। हे, तुम तो अभी भी खड़े हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम दुनिया के सबसे अच्छे बाल हो। ए भाई, इसका तो एक छोटा सा नन्ना सा बाल है। वाह, देखो तुम तो खड़े हो रहे हो। क्या तुम बोला, इसमें मजाक की क्या बात है? इसकी चांद पे तो एक ही बाल है। चुप हो जाओ, मेरे बाल को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे तुम? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली मजाक क्या होता है। बाहर निकला। तो भाई, मुझे लगता है इस बार लक्का सच में पागल हो गया। किसे पता था वो इतना नाजुक है, उसकी गोलियां खत्म होने का इंतजार है। खत्म। अब आ कचरा गड़गड़ा। तुम्हारी किस्मत भी इस बार जवाब दे गई। अब हमारी बारी है लक्के। प्लीज, अरे भाई साहब माफ कर दो, जाने दो। हरगिज नहीं, मुझे तुम्हारा वो बाल देखना है। इसको बर्बाद मत करना, मेरे पास एक ही है। Please. ओ, जरा देखने तो दो। मेरे बालों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम दोनों मेरे बाल से दूर रहना। ये बच्चा हो गया तेरा बालों। वापस आओ गंदे बालों। रुक जाओ। रुक जाओ। अब तो मैंने तुम्हारा पकड़ लिया। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। अरे बचाओ मुझे। हम तुम्हें नहीं बचाएंगे गंजे टकले, अब अपने एक बाल के साथ मारो। प्लीज। hey, भाई, तुम क्या करने की सोच रहे हो? अरे मैं मरना नहीं चाहता, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। लड़के, अपना हाथ दे मुझे। अरे वाह, मैं तो बच गया। तुम वहीं रुको, मेरी मदद करना, मैं ऊपर आता हूँ। मेरा बाल कहाँ गया? अरे तो कहाँ? अब हमें जाना चाहिए, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। चलो चलते हैं, मुझे भूख लगी है, चलकर एक बाल्टी शहद के मजे लेते हैं। तुमने मेरे मेरा प्यारा बाल। तुम दोनों, अभी हमारी जंग खत्म नहीं हुई, समझे? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी पेट में खुजली मच रही है। मुझे बारिश बिल्कुल पसंद है।
चीज है, इसे घर पर मत करना। मैं अपना जाल हर जगह बिछाऊंगा, फिर उन बालों को बेच के पैसा कमाऊंगा। अरे यार, बिजली तो बहुत डरावनी होती है। मैं अपना जाल हर जगह बिछाऊंगा, फिर उन बालों को बेच के पैसा कमाऊंगा। अरे ये क्या हो गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया? तुम क्या खोद रहे हो? चल लाखा बेटा, कुछ सोच ले, बचना है तो ठीक है। अरे मैं इसको ये बोलता हूँ कि मैं पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोद रहा था, ये तो कुछ भी विश्वास कर लगा पागल। दरअसल मैं यहाँ पौधा लगाने आया था। सोलो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पर जाल बिछा रहे हो। अरे नहीं, ये लो, तुम एकदम बेवकूफ हो। ऐसा लग रहा है जैसे लखा की आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया? पेपर से सर हार गया, रुको फिर से अपन जीतूंगा। हाँ ठीक है, मुझे लगता है पेपर चूज करेगा तो मुझे सीजर ही चूज करनी चाहिए। भाई सीजर करेगा, फिर से पेपर चूज करेगा। अरे वो क्या सोच रहा है मैं सुन सकता हूँ? शायद बिजली की झटके की वजह से मैं सुपर हीरो बन गया। ए भाई, तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे हरा लोगे? क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें हराने के लिए मुझे कितना स्मार्ट होना पड़ेगा? ज्यादा नहीं, ये तो बच्चे से चॉकलेट छीनने जैसा है। वो मैं देख लूंगा भाई। शुरू करो। दमलू हमेशा सीजर ही लेता है, तो मैं यहाँ पर रॉक ले लूंगा। सीजर दमलू जीता। क्या बहुत हुआ, पक्का फिर से सीजर ही। पेपर सीजर, ये नहीं हो सकता। पांच में से तीन बार, इस बार ये रॉक फेंकेगा, मैं पेपर फेंकूंगा। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, एक और बार, फिर से डब्ल्यू जीता। डब्ल्यू मुझसे ज्यादा तेज कब से हो गया? दरअसल हमें कैसे पता होगा तुम्हारी गाजर कहाँ है? मैंने तो गाजर नहीं बोला। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम जो सोच रहे हो मैं सुन सकता हूँ। तुम लोग जो भी सोचते हो वो मेरे भेजे में आ जाता है। अभी मैं तुम्हें नहीं हारूंगा। इसका मैं तभी से पता है। ए, ये रहा तुम्हारा मुजरिम। मुझे समझाने दे दो। कैसे समझाओगे जब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा? तो इधर आ। दोस्तों क्या चल रहा है, आखिर क्या हुआ है? मैंने इसके पैंग कौन को खेलते हुए नदी में डाल दिया। Hey, तुम जानते हो डुगू ने तुम्हारे पाइनकॉर्न को लात मार के नदी में फेंक दिया? डुगू, चाचू अंदर, मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा। तुम मेरा पाइनकॉर्न वापस करो, एक बार मेरे हाथ आ जाओ, वापस दे दे, मुझे वापस दे डुगू। अरे यार, इसे बस पता न लगे मैंने इसके पाइनकॉर्न चुराए थे। शांत हो जाओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें पता लगे कि मैंने तुम्हारे शहद का जार तोड़ दिया है? hey, भाई ने चिंटू के पाइन कॉर्न चुराए थे और चिंटू ने भाई की शहद की बोतल तोड़ दी। चिंटू वो मेरा फेवरेट जार था। और मेरे पाइन कॉर्न्स का क्या? एक बार मेरे हाथ लग जाओ। कितना मजा आ रहा है जोकरों की टोली। बिल्कुल बढ़िया। शायद की खुशबू आ रही है। भाई भाई मुझे थोड़ी शायद खानी है, मुझे भी दो ना, थोड़ी सी दे दो। ना ना, खत्म हो गया। आई एम सॉरी, मैं सब खा गया। मेरे पास होता भी तो मैं इसे नहीं देता। हाय चिंटू। अगर ये चुकल कौर नहीं है तो आखिर इसे चाहिए क्या? ये तो भंडू वालू है। बिल्कुल बेअकल। हे दोस्तों, एक राजा को शर्मिंदा करके ऐसे कोई नहीं जा सकता। हाय डुगो। अरे नहीं यार।
उस पर दिमाग को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। उस पर भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ऐसा दोस्त भी नहीं मानता। बड़े चुगलखोर। अपनी दोस्तों की चुगली? इसे लगता है बहुत स्पेशल है, किसी दिमाग पढ़ सकता है। बस हो गया, मुझे किसी का मन नहीं पढ़ना है। ये मेरा सारे जाल बिछ चुके हैं। बिल्ली, अब तुम्हारा वक्त है कि तुम इन जालों को चेक करो। ये खुशबू की चीज की है। सही पकड़ा, ये हमने तुम्हारे लिए तो बनाया है। एकदम सही। अपने गले को ज्यादा तकलीफ मत दो, तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला है। तुम्हें पूरा यकीन है? बबलू, शुक्रिया बबलू। ओ, ए, ये क्या? बिल्कुल प्लान के मुताबिक। लगा तू तो बड़ा समझदार है। डब्लू, 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 मेरे साथ चलो। लगता है रामचू और बबलू को पकड़ लिया। क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे बचाना होगा। जब तक एक और को नहीं पकड़ लेते, हम यही इंतजार करेंगे। हे दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। आ ही गया। डब्लू, जाल हो सकता है। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। आजा, थोड़ा और आगे आजा, बस जरा सा लाइट में जरा मुड़ना। हाँ, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट। क्या हुआ? चिंटू कमर कस लो। इसे तो पता वो कहाँ है। नहीं हो सकता, ये इतना समझदार थोड़ी है। अरे आ गया, चल रख दे पाँव। अरे तू क्या इंतजार कर रहा है यार। लखा के बच्चे। अरे वाह, तुम तो पास हो गए, टेस्ट यही खत्म करते हैं। ओ सच में? अरे हटो मेरे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे अरे भाई, अपने बचाओ। तुम इसी के लायक हो। अब बिल्ली को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया। पार्टी चेंज करो। सब ठीक हो गया। डब्लू, बचाने का शुक्रिया। डब्लू, बहुत बढ़िया। हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रैंचो, सब मेरी गलती थी, ठीक है। डब्लू, हम दोनों दोस्त हैं ना? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बिल्कुल, हम अच्छे दोस्त हैं, हमेशा दोस्त रहेंगे। हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों, ये तो डब्लू, बिजली बहुत ही घातक है, इसे घर पर ना करें। डब्लू, क्या तुम ठीक हो? डब्लू, उठो मेरे भाई। भाई, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? ठीक है। Hey, रुको, अब मैं तुम्हारे मन की बात नहीं पढ़ सकता। अब मैं फिर से पुराना डब्लू बन गया हूँ। मोटे गंदे भालुओं, एक बार अपने पैर पे खड़ा हो जाऊं फिर बताऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये कैसा हंगामा मचा रखा है? कितना शोर है। चिंटू, क्या इसने तुम्हें भी जगा दिया? हाँ। रैंचो,
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आ जाओ मेरे दोस्त। इतना भी क्या जरूरी काम था? नौकरो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बाबू। ये देखो, इतने सारे। मुझे पता है, ये फल मेरे बहुत खास कजन ने बहुत दूर से भेजे हैं, जो अमेज़न के जंगलों में रहता है। तुम्हें ये यहाँ नहीं मिलेंगे। बच्चा ही खेती कर रहा है। इसकी खुशबू। क्या मैं भी इन मजेदार फलों को चख सकता हूँ प्लीज? महाराज शांत रहिए। मेरी बात पूरी करने दो। ठीक है। तो फिर मैं बाहर इसलिए लाया हूँ क्योंकि अमेज़न में अपने परिवार की तरह फलों का तंदूर चाहता हूँ और हम ये दावत आज ही करेंगे। फलों का तंदूर? तुम्हें इसका स्वाद अपने मुँह में बहुत पसंद आएगा। बाबू खाना तैयार किया जाए। बहुत बढ़िया। क्या बात है? कुछ ये एकदम बकवास है। एक सुअर जो पका सकता है? मेरे पास ये बासी ब्रेड है। बहुत नाइंसाफी है। मैं थक गया हूँ। मैं कड़का नहीं रह सकता। अब मैं पेश करता हूँ फलों का राजा ड्यूरियन। फलों का राजा? अब ये देखो, मैं इसे खोल डालूंगा। क्या कह जा रहे हो? महाराज शायद दूसरा फल बेहतर रहेगा। ओ नहीं, मुझे नहीं लगता। ट्राई करके देखो। मुझे इस फल से छुटकारा चाहिए। उन्होंने तो मुझे देखा ही नहीं। चलो, अब पेड़ काटने का सही मुहूर्त आ गया है और मेरे अमीर बनने का भी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छा किया भाई तुमने जो उसे पीटा, वरना हम इस तंदूर के मजे नहीं ले पाते। अबे ये क्या? अरे वो भालू कर क्या रहा है? अरे यार बहुत नाइंसाफी है। मैं ब्रेड खा के थक गया और ये भालू भी मुझसे ज्यादा अच्छा खाना खा रहे हैं अब तो। रुको। ये तैयार हो गया। ये क्या? लगता मेरे बर्बाद नहीं होने दे। गंदे भालो यहाँ वापस आ। गंदे बंदर। मैंने तुम्हें पकड़ लिया बंदर, तुम्हें मुझे अमीर बनाओगे। मैं तुम्हें बेच दूंगा, समझे तुम? अरे तुम्हारे मुंह में कितनी बदबू है, ऐसा क्या खाते हो तुम? बंदर का ये देखो। मुझे इस फल की खुशबू बहुत पसंद है। ये तो बहुत ही अच्छा है सच में। मुझे लगता है मैं जिंदगी भर यही खा सकता हूँ। सच में मैं यही करने वाला हूँ। तय हुआ बाबू, ड्यूरियन। ओ, 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 ओ,
अभी से बाहर पर कहेंगे, चलो बाबू। प्यारा फूल, अरे और भी है। बाबू हाय डब्लू। हाय रंजा। ये क्या हो गया? इसका मतलब है मेरे पास तो बहुत ताकत है। इस बार मैं उस खुशबू से बेहोश नहीं होऊंगा। चलो अब इन लोगों का हुआ क्या है? शायद मेरा शाही टाइम सबसे अच्छा है इसलिए। मैं उन्हें कुछ भी खाने पर मजबूर कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनका राजा हूँ। उन्हें खाना पड़ेगा जो भी मैं उन्हें दूँ। अभी अभी जब मैं शहद खा रहा था बहुत सारा, तो मुझे रेंचो की वही गंदी सी बदबू आई, मैंने उल्टी कर दी। ठीक है, उसको रोकते हैं, वो पूरा जंगल सड़ा देगा। ये इतना सारा धुआं कहाँ से आया? ये क्या हो रहा है? वो बात क्या हो रहा है? आप देखते हैं, जरा हरा के बताओ मुझे। गंदे भालुओं, मेरे घर की बनाई हुई प्याज की गैस कैसी लगी? खेल का वक्त हो गया, हमारे घर में कोई नहीं आ सकता। खुशबू कैसी लगी? तुम्हारी तो जब मैं ये पहन लेता हूँ तो तुम्हारे मुंह की बदबू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम्हारे इस बंदर राजा को अलविदा कहने का वक्त आ गया। उसे नीचे रख दो। बस करो, आगे बढ़ो। तुम मेरी डूरियन गन के आगे कुछ भी नहीं। एक और चाहिए? आगे बढ़ो, कोशिश करके देखो। आज हमारे पास भी उसके जैसा मास्क होता भाई। बेहतर होगा हार मान लो। भाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। नहीं, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सुनो मेरी बात। अरे भाई, ये तो कमाल का आइडिया है। तुम अपने साथ हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। पिछड़ो पिछड़ो गंदे भालो, पिछड़ जाओ। भाई कितना बढ़िया आइडिया था ये, नाक बंद करके तो मुझे उसकी बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही थी। तुम्हें पता है ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। अगली बार मेरी बात जरूर मानना। मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे कितनी बदबू आ रही है।